हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा फ़ोन है तो लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पर्सनल डिक्शनरी है तो पर्सनल डिक्शनरी को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर लावा फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में पर्सन डिक्शनरी है, तो पर्सनल डिक्शनरी को आप कैसे सेट करेंगे, सिंपल आपको सर्च करना है। सर्च कर देना पर्सनल पर्सनल सॉरी मैं गलत हो गया पर्सनल डिक्शनरी हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो जो पर्सनल डिक्शनरी, इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिंपल प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से डिक्शनरी का जो भी टाइम वर्ड लिख सकते हैं, जैसे ए लिख दिया है, जो भी आपका शॉर्टकट्स वगैरह लिख सकते हैं यहाँ से। और इसको बैक करेंगे तो यहाँ पर ही ऐड भी हो जाएगा, तो ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप पर्सनल डिक्शनरी को सेट कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर भी पर्सनल डिक्शनरी को सेट कर सकते हैं। जैसे आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे तो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में पर्सनल डिक्शनरी है तो पर्सनल डिक्शनरी को सेट कैसे करेंगे, तो सिंपल सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। सिस्टम सेटिंग्स ओपन हो जाएगी तो इसको ओपन करेंगे तो आपकी जो फ़ोन सेटिंग्स है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। जहाँ से आप देखते हैं कि इस पर क्लिक करते हैं तो पर्सनल डिक्शनरी सेटिंग्स शो होती है। जहाँ से आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी पर्सनल डिक्शनरी सेटिंग्स है उसको सेट कर पाएंगे। यहाँ से सेट करके आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पर्सनल डिक्शनरी को सेट करते हैं लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाने ना भूलें।